आपकी मम्मी का फोन आ रहा है। अबे काट दो यार, रोज रोज फोन करके हर टाइम मेरे को ऐसे ही परेशान करती रहती है। ये लो आपकी फोटो, आपके बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा था, मैंने फोन काट दिया। क्यों काटा, पागल हो गया? किससे पूछ के काटा आपने फोन? हेलो यार, तुम्हें तो पता ही अंकित कैसा है, पागल है यार, मेरे से बिना पूछे फोन काट दिया। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि फोन काटूं। छोड़ो यार, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। होगी तेरे बॉयफ्रेंड से तेरी बात? हाँ हो गई। और आईंदा ना मेरा फोन जरा मुझसे पूछ के काटियो, इतना गुस्से में था वो। तो अपने बॉयफ्रेंड पे इतना यकीन करती तो? हेलो हेलो यार, शैलजा का ना एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब तेरी मम्मी को फोन मिलाता हूँ। हेलो आंटी जी। हाँ बेटा, शैलजा का ना एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ, वहीं आ रही हूँ मैं। जब तू अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकती तो मेरी दोस्ती के काबिल भी नहीं है, माफ कर मुझे। ओ मेरी माँ। माँ भी कितनी मतलबी होती है ना। क्यों रे, इस दुनिया में हमसे पहले चली आती है और उस दुनिया में हमसे पहले चले जाती है। नहीं रे भाई, उसे ना हम बच्चों के लिए इस दुनिया में भी जन्नत सजानी रहती है और उस दुनिया में भी हम बच्चों के लिए जन्नत सजानी रहती है। भाई तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? अपने दोस्तों से, क्योंकि वो लोग मेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते। और तू? इंडियन आर्मी से, क्योंकि वो लोग पूरे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते। तेरी मिट्टी। अरे भाई नंगे पाँव कहाँ जा रहा है? गाँव जा रहा हूँ यार। क्यों, तेरा घर गाड़ी सब तो यही है? मैं उस पुराने पीपल की लेने छाँव जा रहा हूँ, जल्दी बहुत है इसलिए नंगे पाँव जा रहा हूँ। ये मोटर गाड़ी बंगला सब तुम रख लो, घर में माँ अकेली है इसलिए गाँव जा रहा हूँ। रेख भाई, ये गरीब रोज आ जाता मेरे घर पे खाना लेने। शुक्रिया भाई, आज खाना बहुत अच्छा था। भाई तूने आज इसको खाना दिया? भाई मेरी क्या औकात के मैं किसी को कुछ दूँ, मेरी क्या औकात के मैं किसी को कुछ दूँ। बस खुदा ने मेरे जरिए से इसको खाना खिला दिया, बस खुदा ने मेरे जरिए से इसको खाना खिला दिया और इसके जरिए से मुझे सवाब पहुँचा दिया। ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूँ बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। हेलो, अरे क्या, अरे रखो बाद में आता हूँ। किसका फोन था भाई? अरे मेरी माँ का फोन था, बार बार फोन करके खाना खाने के लिए परेशान कर रही है। अपनी माँ के पास बैठा करो, कुछ लोग अपनी माँ से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं। यार मैं खाना खा कर आता हूँ। क्या यार, एक टाइम भूखे नहीं रह सकता यार, मैं भूखे रह गया तो वो भी भूखी रह जाएगी। कहाँ से मिली ऐसी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं रे, माँ की बात कर रहा हूँ। जन्म देती है जो माँ जिससे जग। तू तेरी माँ से कितना प्यार करता है? जितना मेरी माँ मुझसे करती है। ओ, और भाई तू? मैं तो बेहद बेहिसाब प्यार करता हूँ। और भाई तू? मुझे नहीं पता मैं कितना करता हूँ मेरी माँ से प्यार, मुझे नहीं पता मैं कितना करता हूँ मेरी माँ से प्यार। बस मेरी एक ही है दुआ, उसके बिना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, उसे कुछ होने से पहले मुझे मौत आ जाए यार। भाई वो बात सुनी है, माँ बाप भाई बहन चार लोग और रोटी तीन, कैसे खाएंगे? हाँ भाई, लेकिन समझ नहीं आया, तीन रोटी चार लोग कैसे खाएंगे? क्योंकि तीनों को खिलाकर माँ भूखी रह जाती है। जन्म देती है जो। मेरे ना चार बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। तो तुम चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार है। दो दिन से तेरी गर्लफ्रेंड खाना नहीं खा रही और तू है कि आराम से खा लेता है। खाना पड़ता है यार। क्यों, प्यार नहीं करता उससे? जब तक मैं नहीं खाता हूँ माँ नहीं खाती यार। जन्म देती है जो माँ जिससे जग कहे। भाई मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुआ, क्या हुआ? वो तू बाप बन गया। चल बे, क्या बात कर रहा है, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। अब गली की कुतिया ना 12 बच्चे थे, सबकी शक्ल देर से मिलती है। भाई यहाँ कैसे बैठा है? यार आज गराज में कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा यहीं पर आके बैठ जाऊँ। तेरी आवाज को क्या हुआ यार? बस यार थोड़ा गला खराब है। हाथ दिखा। भाई तुझे तो बहुत तेज बुखार है। नहीं यार, कोई बुखार वगैरह नहीं है। भाई तू डॉक्टर के पास चल यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, चल। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से। कौन है ये? मेरा दोस्त है यार। तुमने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, अपना स्टैंडर्ड देखो और उसका। छोड़ो ऐसे फटीचर दोस्तों को। छोड़ दूं? अरे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना और किसी ने मुझे खून नहीं दिया था
तभी इसी ने खून देकर मेरी जान बचाई थी, और तुम चार दिन की आई हुई लड़की बताओगे कि दोस्ती में क्या सही है और क्या गलत? शोएब, मेरा दिल मेरी जान तेरी जान ऐसा अपना। यार अपने ही किए पे पानी फेर लेना, इसका मतलब क्या होता है? गर्लफ्रेंड बनाकर उसी से शादी कर लेना। भाई तुझे शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? हॉट, ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, मॉडर्न ना हो तब भी चलेगा, बस मेरी माँ को अपनी माँ समझे और उनका ख्याल रखे। जन्म देती है जो माचिस। भाई भाई भगवान के लिए कुछ खाने के लिए मिलेगा? भाई कुछ मत दे इसको, ये भगवान के नाम पे मांगता है और खुद खा लेता है। भाई देख बे क्या माल जा रहा है यार। बे यार मैं तुझे माल दिखा रहा हूँ और तू पबजी में लगा हुआ है, क्या सिखाया है तुझे पबजी ने? सुन, मुझे पबजी ने ये सिखाया है कि किसी की माँ बहन की इज्जत से ना खेलो, पबजी चालू करो और अपना अपना खेलो, समझा? ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता। विशाल मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना। पहले मैं। चलो आप बोलो। मुझे ना तुम्हारे दोस्त से प्यार हो गया है। विशाल क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हुआ है, बहुत बार हुआ है, फर्क इतना है मुझसे किसी को नहीं हुआ। कोई पूछे मेरे। भाई तुम मेरे दोस्त हो ना, बचपन से साथ रहे ना, हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा ना। भाई आज मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है और डॉक्टर ने खून मांगा यार। भाई सुन कहाँ जा रहा है? नहीं सब चले गए, तू भी जाना है। भाई सुन तू खून की बात करता है, तेरा भाई दिल भी देने के लिए हाजिर है। यार तेरी मम्मी का फोन आ रहा है, काट दे यार। ठीक है। यार तेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा था, मैंने काट दिया। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बॉयफ्रेंड का फोन काटने की? हेलो यार बेबी सॉरी, तुम्हें पता है ना मेरी माँ पागल है, बाबा फोन करते आती है, इसलिए मेरे फ्रेंड ने तुम्हारा फोन काट दिया। देख तुझे एक चीज दिखाती हूँ। हेलो हेलो। हाँ एक्चुअली निकिता का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी मीटिंग हूँ बस। मैं तेरी मम्मी को फोन लगाती हूँ। हाँ हेलो आंटी, एक्चुअली निकिता का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा प्लीज उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, अभी आ रही हूँ बस मैं। पहले तेरे बाप का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ पापा क्लास में हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी, शीट पास करना। भाई एक पेंसिल दो ना। अबे सविता मैम देख क्या बवाल दिख रही है। जा, 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 जा। अली भाई। जी भाई। माँ के लिए एक लाइन हो जे। लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। माँ कहो या दुनिया, बात वही है। मैं मांगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब्बी अगे दोवे हाथ जोड़ के। अरे कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? अरे बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए समधी जी आप कैसे हैं? समधी अभी हुए नहीं, हो जाएंगे। वैसे बिटिया क्या करती है आपकी? जी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है, कहाँ पर? टिकटॉक पर। ओ वैसे लड़का क्या करता है अपना? जी वो तो आर्मी में। अरे कहाँ पर? पबजी में। फितरत में नहीं उन परिंदों से दोस्ती रखना मेरी, फितरत में नहीं उन परिंदों से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक। नया फोन पार्टी? अरे मेरा फोन नहीं है भाई। तो किसका है भाई? अरे एक बंदी का है, वो रोज रोज बोलती थी बेबी मेरा फोन उठा, बेबी मेरा फोन उठा, आज मौका मिला था उठा लिया तेरे भाई ने। अरे मारा दिमाग खराब है, पागल नहीं है भैया। यार मेरी गलती क्या है वो तो बताओ। भाई जिंदगी का सबसे नाजुक रिश्ता प्यार। कल रात तुम्हारा कॉल इतना बिजी क्यों आ रहा था? आज से हमारे बीच सब खत्म। यार मम्मी से बात कर रही थी। कैसे भाई? यहाँ कॉल बिजी आने पे रिश्ते टूट जाते हैं। तान्या। शोएब मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। कौन था ये? दोस्त था यार। अब एक और नया दोस्त। क्या यार तुम कितना शक करते हो। ठीक है चलो। आपको बहुत मिस कर रहा हूँ बेबी। अब ये कौन था? दोस्त था यार।
यार। कौन सा दोस्त ऐसे बात करता है, तुम जाओ यार। तान्या, मैं ना तुमसे रोज रोज नहीं लड़ सकता, अंदर से टूट चुका हूँ मैं, थक चुका हूँ तुम्हारे रोज रोज के झूठ सुन के। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। तो प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो दिल से हारे। हाँ अम्मी। अरे अभी तो आया यार, बाद में आता, चलो फोन रखो। हाँ अम्मी। हाँ बस दो मिनट में आया। हाँ आया, चलो। अरे कहाँ जा रहा है? जन्नत में। क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। आज मुझे कॉल नहीं करना, मुझे ब्रेकअप करना है। जो मेरा वक्त खराब है ना, इसके लिए छोड़ के जा रही हो। फिर जाना माँ के पास, माँ की दुआ वक्त क्या नसीब बदल देती है। जन्म देती है जो माँ जिस